सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है रिव्यू बाज। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वह है लूसेंट ऑब्जेक्टिव GK बुक। तो क्या आपको यह बुक खरीदनी चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। लूसेंट GK का प्राइस है 360। यह आपको किसी भी बुक शॉप में इजीली अवेलेबल है या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं। इस बुक में टोटल 626 पेज हैं जिसमें से सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल साइंस एंड मिसलिनियस, सब कुछ इस बुक में आपको मिलेगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज लिखा गया है संजीव कुमार, सुनील कुमार, संजीव कुमार, RP सुमन, रेनू सिन्हा, रानी अहिल्या, जो कि सब अपने फील्ड ऑफ सब्जेक्ट के बेस्ट राइटर हैं। सो फ्रेंड, अगर आप UPSC सिविल सर्विस, CDS, NDA, RRB, FIFS या फिर PO बैंक, SSC जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, लूसेंट एक बहुत बड़ा पब्लिशर कंपनी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक पब्लिश करता है, जैसे लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स, लूसेंट जनरल इंग्लिश और यह हिंदी में भी पब्लिश करते हैं। तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप किसी भी बुक शॉप में ये अवेलेबल होंगे या तो फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, चलिए इस बुक के मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में भी बात करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव GK बुक हर साल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मिलाकर यह बुक बनाया गया है, जैसे कि UPSC 2004, 2005 PO, वेस्ट बंगाल PSC 2007, 2008 उत्तर प्रदेश PCS 2004, 2005 NDA, 2010 CDS, बिहार पुलिस SC। हर साल का क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव GK में आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक दिया गया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में। जैसे हिस्ट्री में ये पहले एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक डाले गए हैं, स्टार्टिंग विद हरप्पन सिविलाइजेशन, वैदिक, महाजन पदास, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, फिर मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया में जो भी टॉपिक आते हैं सबको कवर किया है। उसी तरह यह इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सबके टॉपिक कवर किया है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव GK से आप पता कर सकते हैं कि हर साल एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कैसा था, क्या क्वेश्चन ज़्यादा टफ था या फिर ज़्यादा इजी पूछा जा रहा था, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब समझ कर आप खुद का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर आप सबको सॉल्व कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन गारंटी है। हर चैप्टर के पीछे उसका आंसर की भी दिया गया है तो आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर इस बुक की डीमेरिट के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यह बुक थोड़ी बहुत महंगी है लेकिन इस बुक को खरीदना फ़ायदेमंद साबित ज़रूर होगा, तो फ्रेंड इस बुक को आप ज़रूर खरीदें। लेकिन इस बुक को खरीदने से पहले आपको लूसेंट का GK बुक या फिर कोई भी GK बुक खरीद कर पूरी तरह पढ़ना ज़रूरी है, वरना यह बुक आपको बहुत मुश्किल लगेगी सॉल्व करने में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव GK में मैथमेटिक्स नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको अलग से एक बुक खरीदना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से
यह एक डीमेरिट पॉइंट बन सकता है इस बुक का। और हाँ फ्रेंड, आपको यह भी देखना होगा कि जो भी बुक आप खरीद रहे हैं वो लेटेस्ट एडिशन है या नहीं है। सो फ्रेंड, यह था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस बुक। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा कि यह बुक खरीदें या ना खरीदें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।